प्रणाम साथियों, वेलकम टू बिमलेंद्रा क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हैबिचुअल एक्शन। जब हैबिचुअल एक्शन पास्ट में हो तब हम उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए। पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन प्रकट करने के लिए सभी कर्ताओं के साथ यूज्ड टू का प्रयोग होता है। हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाएंगे। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर हो गया है। अब हम एग्जाम्पल को जान लेते हैं। जैसे राम स्कूल जाया करता था, वह धूम्रपान किया करता था, लड़के यहाँ खेला करते थे। राम स्कूल जाया करता था, तो यहां पे पास्ट की बात हो रहा है कि राम स्कूल जाया करता था, पास्ट में जाया करता था, जो कि अब लॉकडाउन है, अब वह स्कूल नहीं जाता। राम सब्जेक्ट की बात क्या होगा, यूज्ड टू गो टू स्कूल। राम यूज टू गो टू स्कूल, वह धूम्रपान किया करता था, ही यूज टू smoke। एक एग्जाम्पल हम और बता देते हैं, फिर हम पास्ट के बारे में बताएंगे। लड़के यहां खेला करते थे। इसका हो जाएगा बॉयज यूज टू प्ले हेयर। जब हैबिचुअल एक्शन निगेटिव में हो उसके लिए रूल है, निगेटिव सेंटेंस में यूज्ड नॉट टू या डिड नॉट यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वह धूम्रपान नहीं किया करता था, लड़कियां गाना नहीं गाया करती थी, वह धूम्रपान नहीं किया करता था, तो इसके लिए क्या होगा, ही यूज्ड Not to smoke।
लड़कियां गाना नहीं गाया करती थी, तो गर्ल्स डिड नॉट यूज टू सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से आज हेल्पचुअल एक्शन समाप्त हो गया। इसके आगे हम कल नया टॉपिक लेकर आएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।